वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन नोरकर सीकर। ठीक है, एक क्लास हो गई अपनी, अब हम दूसरी क्लास की बात करते हैं। अगली क्लास है वो है बाल विकास और अधिगम। ठीक है, उसमें हमें अपन जो बात कर रहे थे वो थे जो अवस्थाएं थी उनकी। ठीक है, बाल्यावस्था किशोरावस्था उन बारे में अब अपन उस अवस्थाओं के थोड़ा विस्तृत एवं वर्णन करेंगे। ठीक है, तो नंबर एक है वो है शिशु अवस्था। क्या भाई? शिशु अवस्था। ठीक है, इस अवस्था की अवधि है वो जन्म से 2 सप्ताह तक रहती है। इसकी अवधि है वो जन्म से 2 सप्ताह। जन्म से 2 सप्ताह तक इस अवस्था की अवधि रहती है। ठीक है, अब इस अवस्था की जो कुछ विशेष मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, क्या भाई अपन बात कर रहे थे वो किसके बारे में बात कर रहे थे? शेष अवस्था। शेष अवस्था में क्या होता है कि इसकी अवधि होती है वो होती है जन्म से 2 सप्ताह, यानी जन्म लेने के 2 सप्ताह तक की जो आयु होती है वो होती है शेष अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चे को सामान्य नए वातावरण से होता है जिसमें समय जुटना पड़ता है। इस बच्चे की अवस्था की सार्वजनिक देखभाल की सुरक्षा होती है। ठीक है, अगले है वो है बाल्यावस्था। ठीक है, अगले है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या होता है कि इसमें समस्या क्या है, 2 से 12 वर्ष की उम्र रहती है और इसे गैंग जेदल की आयु भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। ठीक है, अब अपन ने बात की किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था का आपको मैंने बताया था आपको भाई ये है तो 12 से 18 वर्ष की उम्र में चलती है और इसमें जो बच्चे हैं वो एक मतलब विकसित हो जाते हैं पूरा, मतलब जैसे आप मानो एक पूरे जो गुण हैं व्यक्ति के उसमें आने शुरू हो जाते हैं। जैसे बच्चा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाता है और बच्चे का है वो जो जननांग है उनकी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो ये किस काम थे? किशोरावस्था में। ठीक है, अब अपन आगे जो अपन बात करनी है वो होती है, वो बात करनी है किशोरावस्था की, सॉरी प्रौढ़ावस्था। ठीक है, प्रौढ़ावस्था से अपन बात करनी है। प्रौढ़ावस्था में इसकी जो समयावधि है वो 18 से 60। इस समयावधि 18 से 60 वर्ष होती है, इसमें घनिष्ठ संबंध बनाने की प्रवृत्ति, संतानोत्पत्ति, व्यावसायिक जीवन का निर्धारण सुनिश्चित होता है। इस अवस्था है इसमें है वो एक तो घनिष्ठ संबंधता पाई जाती है, मतलब एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है या फिर अपनी जब शादी हो जाती है तब अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, उनसे अपनी घनिष्ठता आ जाती है। इसमें संतानोत्पत्ति होती है, संतान की उत्पत्ति इसी काल में होती है। इस समय के बाद व्यक्ति की जो 18 वर्ष के बाद शादी हो जाती है, शादी के बाद में इस समय संतानोत्पत्ति होती है, यानी बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, व्यावसायिक जीवन का निर्धारण होता है। व्यावसायिक जीवन मतलब व्यक्ति है वो क्या कार्य करेगा, व्यक्ति का जो काम है वो क्या काम करेगा, अपने परिवार के लिए कहाँ से कमाई के जो साधन है वो उपलब्ध करेगा, तो इसमें व्यवसाय इसी उम्र में होता है।
व्यक्ति अपने जीवन के अधिकांश लक्ष्यों को हासिल कर लेता है। इस अवस्था के अंत तक शारीरिक व मानसिक क्षमताएं कमी होती है। इस अवस्था में व्यक्ति है वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है, मतलब अपना जो भी जो मोटिव होता है, जो भी अपना एम होता है, उसके प्रति उसे पा लेता है, अपना जो जीवन का जो भी लक्ष्य होता है, मेन लक्ष्य होता है, उसे पा लेता है। और इस जो अवस्था है इसका जब समापन भी होती है, जब इसे समाप्त होने लगती है, तब जैसे 60 वर्ष 50 से 60 वर्ष समाप्त होती है 50 से 60 वर्ष, तो इस व्यक्ति में मानसिक और शारीरिक कमियां होनी शुरू हो जाती है। यानी मानसिक यानी उसका दिमाग है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, शारीरिक यानी वो बूढ़ा होने लग जाता है, छोटी मोटी उसे बीमारियाँ लग जाती है, तो उसे कमी आने लग जाती है, किसमें? शारीरिक और मानसिक गति में। ठीक है, अगले है वो है वृद्धावस्था। अगली है वो है वृद्धावस्था। ठीक है, वृद्धावस्था ये क्या होती है? 60 से मृत्यु तक। ठीक है, इसे ह्रास की अवस्था भी कहते हैं। ह्रास की अवस्था मतलब खत्म होने की अवस्था, समाप्त होने की अवस्था। यानी इस अवस्था में व्यक्ति है वो समाप्ति की ओर अग्रसर होता है, यानी मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। यानी इस अवस्था के बाद व्यक्ति कभी भी मर सकता है ना। इस अवस्था में कोई निश्चित समयावधि नहीं है, यह 60 वर्ष से मृत्यु तक चलती है। इसमें व्यक्ति की क्षमता क्षीण हो जाती है और अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु दूसरों पर निर्भर होता है। अब इस अवस्था की कोई जो अवधि है वो निश्चित नहीं होती। अवधि निश्चित न होने का मतलब है जैसे मतलब कभी भी व्यक्ति मर सकता है 60 के बाद, 70 में मर सकता है, 80 में मर सकता है, 90 में मर सकता है और 100 में भी मर सकता है। 60 से 70 हो सकती है, 60 से 80 हो सकती है, 60 से 90 भी हो सकती है। तो इसकी कोई निश्चित समय अवधि, इस जो अवस्था है कोई निश्चित समयावधि नहीं होती। इसमें व्यक्ति की क्षमताएं क्षीण हो जाती है, क्षीण मतलब जैसे कमजोर हो जाते हैं। व्यक्ति है वो खुद शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, वो अपने कार्य को खुद नहीं कर पाता है, वो अपने दूसरों के प्रति दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाता है। उससे क्या होता है कि व्यक्ति है वो मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, ये होती है वृद्धा अवस्था। ठीक है, तो आप इस अवस्थाओं में आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो फिर आगे बात करते हैं। अगला है वो है विकास के पैटर्न की भविष्यवाणी की जा सकती है। अपने बात की विकास है वो उसका मतलब जैसे पैटर्न होता है, उसका जो नियम होता है उसके ऊपर भविष्यवाणी कर सकते हैं। विकास है वो इस तरह होगा, है विकास का जो क्रम है वो इस तरह होगा। ठीक है, तो विकास की रूपरेखा कैसे होती है इसका अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि विकास पैटर्न के संदर्भ में दो नियमों का पालन करता है। अब विकास है उसका पैटर्न में बताया, पैटर्न का पता लग सके विकास किस प्रकार होगा। ठीक है, विकास का पैटर्न का भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास का पैटर्न का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो विकास के पैटर्न में दो नियम होते हैं, उन नियमों की अपन चर्चा करेंगे। पहला नियम वो है दूसरा है वो है निकट दूर नियम। ठीक है, शिक्षा के नियम इसमें अपन बात करेंगे। ठीक है,
इस नियम का मतलब होता है कि विकास सिर से पैर की ओर आगे बढ़े। सिर सभी नियम का अर्थ होता है कि विकास है वो सिर से पैर की ओर बढ़ता है, मतलब पहले सिर विकसित होता है, फिर आगे आगे जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसी प्रकार जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे पहले सिर है, बच्चे का सिर है वो विकसित होगा, फिर जो कंधे हैं, फिर हाथ, फिर पैर, ऐसे सिर से पैर की ओर विकास है वो चलता है, जैसे ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। अब जैसे ऊपर से नीचे की ओर विकास है वो चलता है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो सिर पूरे शरीर का एक तिहाई होता है। बच्चा जब पैदा होता है तब उसका जो सिर है वो शरीर का एक बटा तीन होता है, एक तिहाई, ठीक है। कितना होता है भाई? एक बटा तीन होता है, ठीक है। और इसी प्रकार हम देखें तो बच्चा सबसे पहले सिर का नियंत्रण करना सीखता है और बाद में पैर का। अब बच्चा है वो सबसे पहले सर है उसको संभालना सीखता है। बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म के बाद बच्चा सबसे पहले सिर का संतुलन रखता है और बाद में वो पैरों का संतुलन रखता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास है वो सिर से पैर की ओर चलता है। तो अतः हम कह सकते हैं विकास है वो सिर से दुखी नियम के अनुसार चलता है, सिर से पैर की ओर। इसका अर्थ ये होता है सिर से पैर की ओर, विकास है वो सिर से पैर की ओर चलता है, ठीक है। अगला है आपको निकट दूर नियम, क्या है? निकट दूर नियम, ठीक है। इसका मतलब है कि वे अंग पहले विकसित होते हैं शरीर के केंद्रीय भाग के निकट होते हैं। मतलब इस नियम का क्या मतलब होता है कि मतलब वे अंग सबसे पहले विकसित होते हैं जो शरीर के केंद्रीय भाग के अधिक नजदीक होते हैं। मतलब जैसे हमारे जो नाभि है, हमारी जो नाभि है उससे विकास का संबंध होता है। मतलब जैसे नाभि के पास में जो अंग है वो पहले विकसित होंगे, बाद में वो पहले जो निकट है वो होंगे, फिर जो धीरे धीरे जो दूर है वो होते जाएंगे। यानी दूर निकट का मतलब जैसे ये सेंटर है, ये मतलब ये शरीर है, मान लो ये व्यक्ति का शरीर है, ठीक है, और ये नाभि है, ठीक है। अब विकास है वो ऐसे चलेगा, ठीक है। मतलब पहले ये विकसित होंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, पहले ये विकसित होंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मतलब विकास है वो केंद्र के बाद जो सबसे अधिक नजदीक होते हैं उसके अनुसार चलता है। मतलब जो पहले ये मजबूत होंगे, फिर ये होंगे, फिर ये होंगे, फिर ये होंगे, फिर ये होंगे, यानी जो सबसे निकट होगा वो सबसे पहले विकसित होगा। तो ये होता है निकट दूर नियम होता है, ठीक है। जबकि नाभि से दूर वाले अंग है उनको विकसित होने में अधिक समय लगेगा। यदि गर्भावस्था में देखा जाए तो हाथ की, पैर की उंगलियों, नाखूनों का विकास अन्य अंगों की तुलना में बहुत देर से होता है। अब मतलब ये कह रहा है कि मतलब जैसे बच्चे का गर्भावस्था में देखी जाए, गर्भावस्था में देखे जाए तो बच्चे के हाथ और पैर की उंगलियों और नाखूनों का विकास अन्य सभी विकास अंगों के बाद में होता है। मतलब जो बच्चा जब गर्भ में होता है, गर्भ में जब बच्चा विकसित होता है तो सबसे लास्ट में अगर कोई चीज़ विकसित होती है तो होती है हाथ और पैर की उंगलियां। तो ये कौन सा नियम है? निकट दूर नियम, ठीक है। इस नियम में क्या होता है कि केंद्र के पास जो भी अंग होते हैं वो सबसे बाद में विकसित होते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। ये दो नियम है, ध्यान रखना। एक मिनट, ये है दो नियम, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, दोनों नियमों का। यदि अब बात करते हैं आगे,
हाँ क्या है, विकास की प्रत्येक अवस्था की विशिष्ट विशेषता होती है, मतलब जो भी विशेषता है, जो भी अवस्था है विकास की, उन अवस्थाओं की अपनी अपनी एक अलग अलग विशेषता होती है। ठीक है, विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ ना कुछ खास लक्षण और विशेषता होती है। विकास की जो भी अवस्थाएं होती है उनमें हर एक अवस्था का अपना एक अलग जो लक्षण है या अलग एक विशेषता होती है, ठीक है, जिससे उसकी पहचान होती है और वह विशेषता किसी अन्य अवस्था में दिखाई नहीं देती। अब हर अवस्था की अलग विशेषता होती है और उस अवस्था की जो विशेषता है वो अन्य किसी अवस्था में दिखाई नहीं देती है, वो केवल उसी अवस्था में दिखाई देगी जिसकी वो विशेषता है। ठीक है, यदि हम आवाज़ को लें तो पाते हैं कि बाल्यावस्था में आवाज़ की जो गुणवत्ता होती है वो किसी अन्य अवस्था में नहीं होती है। मतलब जैसे अपन आपका एक आवाज़ का उदाहरण है, अपन किसी आवाज़ का उदाहरण लें, उदाहरण लें तो हमारे जो आवाज़ है वो बाल्यावस्था में मीठी मधुर होती है, और तो जब जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं, जैसे जैसे किशोर अवस्था की अग्रसर होते हैं, तो जो लड़के की आवाज़ है वो कर्कश और भारी हो जाती है, कर्कश और भारी हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार अपन जैसे देख लें तो अब दाढ़ी मूछ है तो वो क्या होती है, उससे क्या होता है कि जैसे अब ये थोड़ी है बाल्यावस्था में अपन जैसे जन्म लेते जन्म के समय ही बच्चे को दाढ़ी मूछ नहीं होता है, वो किसी और विशेषता है, किशोर अवस्था विशेष है। तो जब किशोर अवस्था में आएंगे तभी बच्चे की दाढ़ी मूछ आना शुरू होगी, उसके बाद विशेषता नहीं होगी। ठीक है, अपन बात करेंगे तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण मान, बच्चे का शेष अवस्था में ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता, परंतु जब वो किशोर अवस्था में आ जाता है तब है वो बच्चा विशेष लिंग के प्रति आकर्षित होने लग जाता है। तो हर जो अवस्था है उसकी एक खास विशेषता होती है। ठीक है, अब है अगला, प्रारंभिक विकास का महत्व अधिक होना। प्रारंभिक विकास मतलब जो बच्चे का जन्म लेते ही जो विकास होता है वो विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है, नैतिक उसका जो बाद में का विकास है वो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि प्रारंभिक विकास का महत्व इसीलिए अधिक होता है क्योंकि यह आगे के विकास के नींव आधार पर कार्य करता है। अब यह क्या कह रहा है कि प्रारंभिक विकास है वो आगे के विकास की नींव होता है, उसकी जड़ होता है। उससे क्या होता है कि अगर जब बच्चे का प्रारंभिक विकास सही नहीं हुआ है तो आगे का विकास सही कैसे हो, कि बच्चा सही रूप से विकसित हो रहा है, हो ही नहीं रहा। अगर उसका विकास सही तरीके से नहीं हो रहा है तो आगे विकास कैसे हो, उसका विकास सही तरीके से हो ही नहीं रहा है तो आगे का विकास किस प्रकार संभव है। तो जो प्रारंभिक विकास है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आगे के विकास के लिए थायड ने कहा है कि बाल्यावस्था एपिडिए घटनाएं प्रौढ़ावस्था की विकृति का कारण बनती। अब क्या है कि फ्रायड, सिगमंड फ्रायड है ना, एक साइकोलॉजिस्ट है या मनोविज्ञान के, उन्होंने कहा था कि जो बाल्यावस्था की अप्रिय घटनाएं हैं, बाल्यावस्था की अप्रिय घटनाएं हैं वो प्रौढ़ावस्थाओं की विकृतियां होती है। मतलब जो बाल्यकाल में जो अपनी अप्रिय कार्य हो चुकी है, जैसे बाल्यावस्था में अपनी कोई जो अप्रिय कार्य है, जो प्रिय नहीं होता है, जो अच्छा नहीं होता है, वो होता है वो प्रौढ़ावस्था में विकृति बन जाता है, यानी एक डैमेज बन जाता है हमारा शरीर की जो त्रुटि है या हमारे शरीर का जो नुकसान है वो आगे जाकर बन जाता है। ठीक है, इस तरह शिक्षकगण इस बात का अनुभव करते हैं कि जब विद्यार्थी पहली पाठ कक्षाओं में विषय वस्तु को ठीक से सीखता है तो आगे के पाठ को आसानी से सीख सकता है। वैसे ही मतलब जैसे अपन कोई टीचर है, जो कोई मतलब जैसे शिक्षक है वो जब पढ़ाता है तो ये थोड़ी होता है कि बच्चे को जैसे किताब खोली और सीधे दसवें पाठ से शुरू करना शुरू कर दिया, नहीं, वो सबसे पहले पहला पार्ट होगा, दूसरा पार्ट होगा, तीसरा पार्ट होगा। तो उसी प्रकार जैसे वो पहला पार्ट याद कर लेगा तभी तो दूसरा पार्ट याद होगा, ऐसा थोड़ी कि भाई पहला पार्ट बता दिया कि ठीक है आपको पहला पार्ट याद करना है और अगले वाला पार्ट पहला पार्ट याद किया वो नहीं किया ठीक अलग बात है और अगला पार्ट याद कर दे, ऐसा नहीं होता। पहला पार्ट मजबूती से याद होगा तभी दूसरा पार्ट है वो अधिक सही तरीके से याद होगा। यदि कोई छात्र गणित में सामान्य
नियम निश्चित कक्षाओं में नहीं सीख पाता, आगामी कक्षाओं में गणित समस्याओं में कठिनाई करने में जो मुश्किल है उसका सामना करेगा। जैसे बच्चा है कोई जो सारी जो मतलब प्रारंभिक क्लासेज होती है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड या पहली दूसरी तीसरी चौथी, उन क्लासों में गणित में जो अच्छा होगा तो वो आगे जाके नाइन्थ टेंथ में ट्वेल्थ में अच्छी गणित जो उसकी मैथ है वो अच्छी होगी। परंतु जब पहली दूसरी तीसरी कक्षाओं में उसमें गणित की जो पकड़ नहीं होगी, गणित अच्छी नहीं होगी, तो आगे की क्लासों में उसे दिक्कत होगी, आगे की क्लासों में उसे गणित सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि प्रारंभिक विकास है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है बाद के विकास के लिए। ठीक है, अगला है विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। क्या है भाई, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति है वो भी विभिन्न होती है या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, सभी अवस्थाओं में विकास की गति समान नहीं होती है। यदि कभी विकास तीव्र गति से होता है तो कभी मंद होता है, मतलब विकास की गति है वो सभी अवस्थाओं में समान नहीं होती है। कभी विकास तेज होता है तो कभी मंद हो जाता है या धीरे होता है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान 9 महीनों में बच्चे का विकास अधिक होता है, जबकि बाद में अवस्थाओं में शरीर का विकास धीमी गति से होता है। इसी तरह सामाजिक समय के विकास की तुलना करें तो बाल्य अवस्था की तुलना में रूप से धीमी अवस्था होती है। ठीक है, अब मतलब जैसे कहने का मतलब ये है, आपने मैं बताता हूँ आपको कि जैसे विकास है उसकी जो अवस्थाएँ हैं, जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, बचपनावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है, उन अवस्थाओं में जो बच्चे का विकास होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से। जैसे मतलब बच्चे का है वो गर्भावस्था में जब बच्चा होता है तो उसका विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से होता है मतलब जैसे बच्चे का विकास है वो 9 महीने में कितना बढ़ जाता है, हालांकि बच्चा जन्म लेने के बाद 9 महीने में तो थोड़ा बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे बाल्यावस्था में बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है, बचपनावस्था में बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में जब बच्चे की जो सीखने की क्षमता है वो वृद्धावस्था में उससे नहीं होती, उस समय बच्चा इतना सीख नहीं पाता। उसी प्रकार बच्चा है वो जो बच्चे के शरीर का विकास है वो बाल्यावस्था में बचपनावस्था में कम होता है, फिर आगे जाके धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। उसी प्रकार किशोरावस्था है उसमें बच्चे के जो शरीर की उच्च कदकट है उसकी बढ़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है, बल्कि बचपनावस्था में उसके जो शरीर 12 से 18 वर्ष की उम्र है उसमें बच्चे की विकास की गति है वो अधिक होती है। तो ये होती है विकास की जो अवस्थाएँ हैं भिन्न भिन्न गतियाँ होती रहती है। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत विकास के विभिन्न आयाम वो आपस में संबंधित होते हैं, विकास के जो भी आयाम होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में शारीरिक मानसिक भाषिक विकास एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है। पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्ती का विकास होता है। अब क्या होता है कि शरीर के जो अलग अलग विकास हैं, अलग अलग आयाम हैं, जैसे एक शारीरिक विकास होता है, एक मानसिक विकास होता है, एक भाषाई विकास होता है, तो ये सभी विकास हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा, अगर शरीर अच्छा होगा तो उसे जो सीखने की क्षमता, उसका मानसिक विकास है वो अच्छा होगा, भाषाई विकास अच्छा होगा, तो विकास है वो आपस में जुड़ा हुआ होता है। जैसे मतलब स्वस्थ शरीर है वो अच्छे दिमाग का घर होता है। ठीक है,
हमारा शरीर किसी मानसिक विकास से जुड़े सीधा जुड़ा होता है। इसी प्रकार शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक शारीरिक शैक्षिक विकास में अच्छा होता है। मतलब जैसे जो व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से सही है, वो सीखने में सही होगा, समाज में सही होगा, उसकी जो सीखने की क्षमता है वो अधिक होगी, तो विकास के जो अलग अलग पहलू हैं, जो अलग अलग आयाम है, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगला है वो है व्यक्ति भिन्नता का नियम। व्यक्तिक भिन्नता का नियम, इसमें क्या होता है कि यह नियम यह बताता है कि सभी का विकास ऊपर वर्णित नियमों के अनुसार ही होता है, फिर भी संसार के किसी भी दो व्यक्ति का विकास समान नहीं होता। अब मतलब कहने का मतलब है कि विकास है, सभी व्यक्तियों का विकास है, अपने जो बात की अवस्थाएँ हैं उसके अनुसार होता है। हर व्यक्ति का विकास ऐसे ही होता है, कोई भी व्यक्ति का विकास ऐसे थोड़ा ही, पहले व्यक्ति बूढ़ा होता है, बाद में जवान होता है, बाद में थोड़ा छोटा होता है, फिर बाल्यावस्था होती है, ऐसे थोड़ी होता है। सभी का विकास है वो एक जैसा होता है, जैसे पहले जो है वो शिशुअवस्था होती है, बाद में बचपनावस्था होती है, बाद में बाल्यावस्था होती है, बाद में किशोरावस्था, बाद में प्रौढ़ावस्था और बाद में वृद्धावस्था, सभी का विकास ऐसे होता है। परंतु विकास एक जैसा होने पर भी व्यक्ति जो एक दो व्यक्ति वो होंगे अलग अलग, उनका विकास अलग अलग होगा, विकास का तरीका एक जैसा होगा परंतु विकास है वो अलग अलग होगा। मतलब कोई व्यक्ति है उसका विकास है वो बहुत अच्छा हो, कोई व्यक्ति का विकास होता है ऐसे परंतु बहुत अच्छा नहीं होता, कोई व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है, कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है। तो विकास में जो व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो भिन्नताएँ पाई जाती है वो अलग अलग होती है। तो ये क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। ठीक है, अपन आगे की है वो बात करेंगे, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, क्या है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारण, यानी वो कारण जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से जो मुख्य कारण होते हैं वो बाल विकास को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से बाल विकास है वो प्रभावित होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और वो बात करेंगे अपन अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।